The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Today, aaj hamara topic hai groin itch. Groin itch, jock itch, kuch bhi kehlo. राइट, दिस इज बेसिकली अ फंगल इन्फेक्शन. आपको हो रहा है फंगल इन्फेक्शन अगर आपको ग्रॉइन एरिया पे, यानी जहां पे आप अंडरवेयर्स आपकी पहनते हैं, इनर वेयर्स पहनते हैं, वहां पर हो रही है आपको इचिंग, खुजली. सो ये खुजली ज्यादातर जिसको हम मेडिकल टर्म पे टीनिया क्रूरिस कहते हैं, या कई बार रिंग वर्म भी कहते हैं. वो भी एक पॉसिबल रीजन है. रिंग वर्म एक होता है, राइट. रिंग वर्म एक वर्म नहीं है, ये भी एक फंगस है. फंगस, तो फंगस इन्फेक्शन हो रहा है. क्यों हुआ वहां पर फंगस, क्यों लग गया वहां फंगस? देखिए, जॉक इच होता है जब एक टाइप का फंगस उस एरिया पे ग्रो होता है और फैल जाता है, ग्रोइन एरिया पे ज्यादातर ये बहुत ही आसानी से हो सकता है जब भी वहां पर वार्म, मॉइस्चर होगा, ज्यादा मॉइस्चर में फंगस ग्रो करते हैं, राइट. वार्म और मॉइस्चर, इसलिए गर्मी के मौसम में टाइट कपड़े पहनने से या बहुत देर तक बैठने से बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट वहां हो जाता है, पसीना आता है, वहां फंगस ग्रो हो जाता है. बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है. ज्यादातर आदमियों को, टीनेज लड़कों को बहुत कॉमनली हो जाता है, मेल्स को भी, फीमेल्स को भी हो जाता है. और इसी के जैसे आपको और भी दूसरे इन्फेक्शंस हो सकते हैं इसी के साथ. अगर आपको जॉक इच है, मतलब वहां पर खुजली है, तो उसके अलावा आपको दूसरी जगह पे भी फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म हो सकता है. आपको एथलीट्स फुट हो सकता है, पैरों में जहां पर अंगूठे के बीच में पसीना आता है, वहां पर भी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है. सो ये एक बहुत कॉमन चीज है. और यहां सर इन्फेक्शन जो है बहुत आसानी से फैल जाता है. आप अगर खुजाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फैलने के बहुत आसान चांसेस होते हैं. और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ये जा सकता है डायरेक्टली बाय, या तो कॉन्टैक्ट से, क्या आपके कॉन्टैक्ट से दूसरी जगह चले गए, और या फिर अनवॉश्ड क्लोथ से. अनवॉश्ड क्लोथ्स, बिना मतलब जो कपड़े धोए नहीं जाते, बिना धोए अगर कपड़े किसी के दूसरे ने किसी ने पहन लिया, तो उसके वजह से भी हो सकते हैं. सिम्टम क्या होगा जॉकिच या फंगल इन्फेक्शन में? आपको एक तो इम्पॉर्टेंट चीज है, ऊपर थाइज में होता है ज्यादातर, लेकिन ये ज्यादातर में स्क्रोटम और पेनिस को इन्वॉल्व नहीं करता है. लेकिन ऐसा नहीं, कर ही नहीं सकता, ज्यादातर केसेस में नहीं करता है. इसके अलावा ये कई बार पीछे एनल रीजन के आसपास स्प्रेड कर सकता है. एनल इचिंग अगर ज्यादा हो रही है, मतलब वहां तक फैल गया है, और एनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है. इसी के वजह से आपको लाल लाल स्केली उठे हुए पैचेस दिखेंगे आपको उस एरिया में. वहां कई बार बड़े बड़े ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं, ब्लिस्टर्स जैसे पानी भरे हुए फुफुले, वो भी बन सकते हैं, जो कि पानी निकल भी सकता है उससे. सो ये रेड पैचेस होते हैं. कई बार ये धीरे 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 डार्क हो जाते हैं, राइट. डार्कनिंग होती है, एबनॉर्मल डार्कनिंग होती है स्किन की, या कुछ रेयर केसेस में लाइट भी हो जाते हैं, राइट. नॉर्मली डार्कनिंग होती है, और पैचेस जो होते हैं उनके एजेस बहुत शार्प होते हैं. शार्प एजेस मतलब पता है कि यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है. वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एजेस बहुत शार्प होते हैं, स्केलिंग बहुत होती है. स्किन की बीमारियों में, स्किन की इन्फेक्शन में बहुत आसान होता है इन सब छोटे छोटे पॉइंट से उसको पहचानना. इसीलिए देख के बता सकते हैं कि फंगल है कि नहीं है, ठीक है. कई बार ये समझ लीजिए, एक बार आपको वहां पर इचिंग हो रही है जॉक इच में, सो वहां कालापन आ गया, वहां पर डार्कनिंग आ गई, तो डार्कनिंग कई बार परमानेंट हो जाती है. परमानेंट डार्कनिंग हो जाती है, दैट इज वन बिग इशू. सो इसीलिए इसको डायग्नोस करिए, इसको ठीक करिए, जरूरी है. डायग्नोसिस के लिए जैसा मैंने कहा, देखने भर से पता चल जाता है, टेस्ट वैसे जरूरत नहीं होती किसी भी प्रकार के. लेकिन फिर भी अगर एक्चुअल कोई और कंफ्यूजन निकला कि भाई हाँ कुछ और हो सकता है या इसको कंफर्म करना है, तो एक सिंपल टेस्ट होता है KOH एग्जाम, KOH माउंट, जिसमें स्किन स्क्रैपिंग लेके KOH माउंट करते हैं, या स्किन का कल्चर करते हैं, स्किन की बायोप्सी ले सकते हैं, उससे फिर टेस्ट करके देखते हैं कि भाई इसमें कोई फंगस है या नहीं.
ठीक। सो ये सारे टेस्ट होते हैं और स्टेन भी करके देखते हैं। स्टेनिंग जिसको पास PAS स्टेनिंग बोलते हैं, फंगस की स्टेनिंग है, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, राइट। फिर सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात जो आप जानना चाहते हैं, दैट इज द ट्रीटमेंट। भाई ट्रीट कैसे होगा, है कि नहीं? सो फंगल इन्फेक्शन, ग्राउन इन्फेक्शन, जॉक एच, रिंग वर्म, ये सारी चीजों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, सेल्फ केयर, खुद की केयर चाहिए। क्या आधा ट्रीटमेंट है? आधा ट्रीटमेंट है सेल्फ केयर, आधा ट्रीटमेंट है मेडिसिन। पहला सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर, खुद की केयर, ये है उस एरिया को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लीन एंड ड्राई, क्लीन एंड ड्राई। ढीले कपड़े पहनिए, ठीक है, ढीले ढीले कपड़े जो उसमें रब ना करे, उसमें इरिटेट ना करे, लूज और क्लोथ्स पहन के बढ़िया, जो सूती कपड़े जैसे बोलते हैं वैसे पहन सकते हो, राइट। और अगर आप कोई एथलीट हैं, कोई सपोर्टर पहनते हैं, तो उसको रेगुलर वॉश करो। कई बार एथलीट ऐसे हो जाते हैं कि सपोर्टर्स पहनते तो हैं लेकिन वॉश नहीं करते, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। फिर जो आप खुद कर सकते हो वो है ओवर द काउंटर एंटी फंगल पाउडर, एंटी फंगल क्रीम ले सकते हो, एंटी फंगल या ड्राइंग पाउडर आते हैं, पाउडर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। पाउडर आप क्या करेंगे, उस एरिया में रोज छिड़केंगे, नंबर एक उससे ड्राइनेस रहेगी, नंबर दो उससे एंटी फंगल इफेक्ट आएगा। इसमें कई बार क्लोट्राइमेजोल, मिकोनाजोल या टर्बिनफीन, इस तरह की दवाएं होती हैं जिससे कि एंटी फंगल इफेक्ट आता है, फंगस जो है मर जाता है। ऑब्वियसली जब भी फंगस खत्म होगा उसके बाद में भी थोड़े दिनों तक, लंबे समय तक, थोड़े दिनों तक, कई बार 1 महीना लगेगा, कई बार 1 हफ्ता लगेगा, कई बार 2 हफ्ते लगेंगे। जब खत्म हो गया, खुजली खत्म, सब ठीक, उसके बाद भी लगाते रहना है कम से कम 1 हफ्ते तक। रिमेंबर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वरना वो आएगा वापस, राइट। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी इन सब चीजों से भी ट्रीटमेंट काम मतलब पूरी तरह से नहीं हो रहा, सही तरीके से आपका नहीं पूरा ठीक हुआ, तब आप जाएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग टॉपिकल एंटीफंगल या फिर ओरल एंटीफंगल मेडिसिन, टॉपिकल मतलब लगाने वाली स्ट्रॉन्गर एंटीफंगल, जिसमें कई बार थोड़े से स्टीरॉयड भी होते हैं वो भी देते हैं, और एंटीबायोटिक्स भी देते हैं आपको। अगर मान लो लगा कि हो सकता है इसके ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए स्क्रैचिंग की वजह से, तो आपने घपा घप स्क्रैचिंग करी, स्क्रैचिंग की वजह से ऊपर से इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, पहले नहीं था, पहले फंगस था, सिर्फ फंगस के बाद बैक्टीरिया हो गया। और अगर आपको बार 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 जॉकिच हो रहा है, बार बार ये दिक्कत हो रही है, सो आपको कंटिन्यू रखना है एंटी फंगल पाउडर, नहाने के बाद लगाते रहना है। अगर आपको बार बार हो रहा है तो इवन इफ आपकी जॉकिच ठीक हो गई है, फिर भी आपको लगाते रहना है नहाने के बाद भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखिए, बहुत आसानी से इस तरीके के इचिंग ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड करते हैं, और ज्यादातर केसेस में कोई जानलेवा बीमारी जैसी चीज नहीं हो जाती है, लेकिन कई बार दूसरी तरीके की बीमारी, जैसे कि अगर वो टीनियासिस, एथलेटिक फुट, ऐसी कोई बीमारी है, तो वो थोड़ा सा लंबा टाइम भी ले सकती है। सो यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। और पहले अगर आप इनिशियल स्टेज में खुद ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहते हैं खुद के लेवल पे, तो 2 हफ्ते से ज्यादा इंतजार ना करें। अगर 2 हफ्ते में आपका खुद का ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और मेडिकल सलाह लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना है। ऑलराइट, सो ये हुई बात जॉक इच की, जो रिंग वर्म कह लीजिए, जॉक इच कह लीजिए, वहां पे खुजली कह लीजिए। सो आई होप आपको समझ आई, और आप अपने सवाल अब लिख सकते हैं, सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।